क्या वजह है बेटा, आप SSP कार्यालय चक्कर लगा रही हैं काफी लंबे समय से, क्या है पूरा मामला? मैं घर पे अकेली थी, पढ़ रही थी, ये लोग आए बाहर शराब दारू फारू पी रहे थे जी। हाँ, फिर ये अंदर घुस आए, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, छेड़छाड़ी की और फिर मैं चिल्लाई। मैं कितने लोग थे? 3 लोग थे। फिर क्या हुआ? फिर मैं चिल्लाई, उन्होंने पकड़ लिया, तो फिर मेरे पिताजी भी आए। किस क्लास में पढ़ती हो बेटा आप? किस क्लास की छात्रा हो आप? मैं 9th क्लास की छात्रा हूँ। फिर क्या हुआ आपके साथ? उन्होंने पकड़ लिया, छेड़छाड़ी की। रेप का प्रयास भी किया है? यस। रेप का प्रयास किया? कितने लोग थे वो? 3 लोग थे। तो कितने, कौन से दिन की घटना है ये? 14 तारीख की। कौन सी 14 तारीख? 14 सितंबर। तब से पुलिस ने कार्रवाई नहीं की इसमें? क्या वजह है, क्यों नहीं कर रही कार्रवाई आरोपी के खिलाफ? क्या वजह है आप SSP कार्यालय चक्कर लगा रहे हैं, क्या है पूरा मामला? हमारी लड़की घर पे थी जी, हमारी लड़की पे छेड़खानी करी थी, हम बाहर थे तब ये चिल्लानी, तब हम बाहर से आ गए, तब हमें बचाए, तो हमारी भी मार पीट गई। लोगों कितने लोग थे वो? 3 लोग थे। क्या अकेली थी घर में? हाँ, घर अकेली थी। फिर क्या हुआ? देखा हुआ छेड़खानी करी थी उन लोगों ने, कपड़े फपड़े फाड़ दिए। दबंग लोग हैं क्या वो? हाँ, दारू पीकर आए थे। कुछ पुलिस ने कोई अभी तक मुकदमा पंजीकृत कर पाया उनके खिलाफ? कुछ नहीं किया अभी। क्यों नहीं पुलिस कार्रवाई कर रही है? थाने गए थे, अमरेजी साहब, कोई सुनवाई नहीं की हमारी। अमरेजी की लड़की थी जिसने आरोप लगाया है कि 9वीं की छात्रा भी है वो, कि उसके साथ लोगों ने छेड़खानी की, शराब पीने से। क्या है पूरा मामला? ये सीमा पुत्री छोटे लाल, ये गोसलपुर की रहने वाली हैं जी। इनका आज अभी SSP ऑफिस एटा में आई थी, इनका कहना है कि इनके पड़ोसी इनके दरवाजे पे वहाँ शराब पी रहे थे, इन्होंने मना किया, लड़ाई झगड़ा किया, इनके घर में घुस करके ठीक कपड़े वपड़े फाड़ने का प्रयास किया था जी। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक मेरे से बात हो गई है, मौके की जाँच करके बचाने की कार्रवाई कराई।